बड़ी खबर, कुमार विश्वास बीजेपी में जा सकते हैं। एक बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, कुमार विश्वास बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, सीएम कैंडिडेट हो सकते हैं कुमार विश्वास। तो देश के सबसे मशहूर कवि हैं कुमार विश्वास। विश्वास पहले केजरीवाल के साथी रहे हैं, केजरीवाल की टक्कर में बीजेपी के विश्वास। तो एक बड़ी खबर है दिल्ली की राजनीति से, एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है जहां पर खबर है कि कुमार विश्वास बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। तो दिल्ली की राजनीति से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, कुमार विश्वास बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। तो सीए कैंडिडेट हो सकते हैं कुमार विश्वास, देश के सबसे मशहूर कवि हैं कुमार विश्वास, और विश्वास पहले केजरीवाल के साथ ही रहे हैं। तो केजरीवाल की टक्कर में बीजेपी के विश्वास, तो एक बड़ी खबर है दिल्ली की राजनीति से, एक बड़ी खबर है। आपको बता दें कि दिल्ली में विधानसभा चुनाव फरवरी में होने वाले हैं और इसी को लेकर के एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। कुमार पुष्कर, क्या कुछ जानकारी है आपके पास? एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है और खबर यह है कि कुमार विश्वास बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। देखिए मनीष, ये पहली बार नहीं है जब कुमार विश्वास को बीजेपी में शामिल करने के लिए उन्हें न्योता दिया गया हो। 2014 में भी खबरें आई थी कि कुमार विश्वास अरविंद केजरीवाल के खिलाफ नई दिल्ली विधानसभा से चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन उस वक्त ये मामला तो, लेकिन अब फिलहाल साफ तौर पर देखा जा रहा है, खबरें जरूर है कि कुमार विश्वास को मुख्यमंत्री का पद दिया जा सकता है। और साफ तौर पर यह भी कहा जा रहा है कि उन्हें नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र से अरविंद केजरीवाल के खिलाफ चुनाव लड़ाया जा सकता है। कहीं ना कहीं बीजेपी की एक बड़ी रणनीति जिस तरह से तमाम दावे किए जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद कुमार पुष्कर। तो दिल्ली की राजनीति से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर है, उस लड़की के बारे में तो सीएम कैंडिडेट हो सकते हैं कुमार विश्वास, बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, एक बड़ी खबर है दिल्ली की राजनीति से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर है, जहां पर कहा जा रहा है कि कुमार विश्वास बीजेपी में जा सकते हैं, बीजेपी में शामिल हो सकते हैं और दिल्ली से सीएम के कैंडिडेट हो सकते हैं बीजेपी की तरफ से। तो देश के सबसे मशहूर कवि हैं कुमार विश्वास और खबर यह है कि कुमार विश्वास बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। तो विश्वास पहले केजरीवाल के साथ ही रह चुके हैं, केजरीवाल की टक्कर में बीजेपी के विश्वास। तो दिल्ली की राजनीति से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर है। आपको बता दें कि फरवरी में दिल्ली विधानसभा के चुनाव भी होने हैं, जिसको लेकर के तैयारियां भी लगभग पूरी हो चुकी हैं और एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है जहां पर कुमार विश्वास बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। ये एक बड़ी खबर है, सीएम कैंडिडेट हो सकते हैं कुमार विश्वास बीजेपी की तरफ से। आपको बता दें कि देश के सबसे मशहूर कवि हैं कुमार विश्वास और कुमार विश्वास पहले केजरीवाल के साथ ही भी रह चुके हैं। तो दिल्ली की राजनीति से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर है, जहां पर खबर ये निकलकर सामने आ रही है कि कुमार विश्वास बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। आपको बता दें कि अगले ही महीने दिल्ली विधानसभा के चुनाव होने हैं और उसी बीच एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है और दिल्ली की राजनीति से जुड़ी हुई एक बहुत बड़ी खबर है, जहां पर कुमार विश्वास बीजेपी की सदस्यता ले सकते हैं, बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, ये खबर निकलकर सामने आ रही है। हालांकि अभी तक इस खबर पर कुमार विश्वास ने कोई बयान नहीं दिया है, उनका कोई बयान निकलकर सामने नहीं आया है, लेकिन खबर ये सामने आ रही है कि कुमार विश्वास बीजेपी में जा सकते हैं, बीजेपी में शामिल हो सकते हैं और साथ ही बीजेपी के लिए दिल्ली में सीएम का चेहरा हो सकते हैं। तो सीएम कैंडिडेट हो सकते हैं कुमार विश्वास और बीजेपी की तरफ से। आपको बता दें कि कुमार विश्वास देश के सबसे बड़े कवि हैं। तेजपाल, आपके प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। तेजपाल जी, एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। प्रीतपाल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपके प्रवक्ता हैं। प्रीतपाल जी, एक बड़ी खबर निकल करके सामने आ रही है कि कुमार विश्वास बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, क्या कहेंगे इस पे आप? देखिए, अनऑफिशियल तौर पर तो वो भाजपा के साथ थे, आम आदमी पार्टी के साथ वो एक्टिविटी उनकी पूरी तरह से खत्म हो गई थी, तो अनऑफिशियल तो वो भाजपा के साथ थे। अब ऑफिशियल अगर जा रहे हैं तो चलिए किसी का साथ दे, किसी के साथ तो अच्छा करें जी। प्रीतपाल जी, आपको क्या लगता है अगर बीजेपी में कुमार विश्वास शामिल होते हैं तो आपको कितनी टक्कर दे सकते हैं? देखिए, अब ये तो जनता जवाब देगी इसका, इसकी दिल्ली जवाब देगी। दिल्ली में जो आम आदमी पार्टी ने काम किए हैं तो ये जवाब तो काम ही देगा, काम का जवाब काम से ही होगा। चलिए, जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रीतपाल जी।
तो और ज्यादा जानकारी के लिए रवि शराफ हमारे साथ हमारे संवाददाता दिल्ली से लाइव जुड़ गए हैं। रवि, यहां पर एक बहुत बड़ी खबर निकल करके सामने आ रही है, कुमार विश्वास बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। क्या कुमार विश्वास ने इस पर मुहर लगाई है, क्या कोई बयान दिया है उन्होंने? बिल्कुल, देखिए मनीष, अभी तक कुमार बात करें तो चर्चा ये चल रही है, न्यू दिल्ली विधानसभा से चुनाव लड़ाया जी, तो बड़ी खबर है जहां पर कुमार विश्वास बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, कयास लगाए जा रहे हैं। ये रवि, बात पूरी करिए। जी देखिए, अगर कुमार विश्वास की बात करें तो उनकी ख्याति बड़ी है, बड़े कवि हैं कुमार विश्वास, और पूरे देश विदेश में भी उनकी एक अच्छी अपनी लोकप्रियता है। तो ऐसे में अगर कुमार विश्वास बीजेपी का दामन थामते हैं और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सामने चुनाव लड़ते हैं तो जाहिर सी बात है जो मुकाबला है काफी दिलचस्प हो जाएगा, क्योंकि दिल्ली विधानसभा चुनाव को अगर अभी देखें तो जिस तरह का भी माहौल बना हुआ है और जिस तरह की ट्रेंड अभी चल रही है उसके अनुसार कहीं ना कहीं केजरीवाल जो है अभी भारी पड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी पर। अगर ऐसे में अगर भारतीय जनता पार्टी अरविंद केजरीवाल के सामने कुमार विश्वास को उतारती है, कुमार विश्वास अगर बीजेपी की तरफ से मैदान में उतरते हैं तो मुकाबला बहुत ही कांटे का हो जाएगा और दिलचस्प हो जाएगा, क्योंकि कुमार विश्वास की लोकप्रियता भी है, लोग उन्हें सुनना भी चाहते हैं। और जिस तरह का पूरा प्रकरण हुआ था, अगर आप आम आदमी पार्टी की स्थापना की याद करें तो कुमार विश्वास कहेंगे कि क्या बीजेपी की तरफ से कोई आधिकारिक कुमार विश्वास प्रशांत भूषण को लेकर के। जी देखिए, अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है मनीष, पर अभी जो सूत्र बता रहे हैं वो ये चर्चा अभी जो है शीर्ष नेताओं के बीच में चला गया है कि कुमार विश्वास को नई दिल्ली विधानसभा सीट से मैदान में उतारा जाए, इस पर जो है चर्चा आम हो चुकी है, क्योंकि मनोज तिवारी से बहुत ही अच्छे संबंध है कुमार विश्वास के, और बीजेपी में भी कुमार विश्वास की एक अच्छी अपनी पकड़ है, प्रधानमंत्री के भी नजदीकी माने जाते हैं। मनोज तिवारी के साथ आपने देखा होगा कई बार उनके कई कार्यक्रम भी लगातार आते रहे और दोनों एक दूसरे पे मतलब कार्यक्रम में भी खुले मन से कह चुके हैं, मनोज तिवारी भी कह चुके हैं कि आप बीजेपी में आना चाहते हो तो हम आपका स्वागत करेंगे। तो ऐसे में अगर कुमार विश्वास भारतीय जनता पार्टी का दामन थापते हैं और उन्हें अगर मैदान में उतारा जाता है तो कांटे का मुकाबला दिल्ली में देखने को मिलेगा, क्योंकि कुमार विश्वास ही ऐसे शख्स हैं जो आम आदमी पार्टी के न्यू की तरह थे, और प्रशांत भूषण इन लोगों को कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल ने दरकिनार किया, राज्यसभा की बात निकल कर आई, तकरार हुई, उसके बाद प्रशांत भूषण अलग हो गए, कुमार विश्वास को निकाल दिया गया, योगेंद्र यादव की याद करते, ये सब जो है स्थापना करने वाले लोग हैं आम आदमी पार्टी का। तो अब ऐसे में अगर दिल्ली में अगर कुमार विश्वास भाजपा की तरफ से चुनाव लड़ते हैं, मैदान उतरते हैं, तो मुकाबला बहुत ही कांटे का हो जाएगा और बहुत ही रोचक हो जाएगा, क्योंकि कुमार विश्वास की जो लोकप्रियता है वो अपने आप में देखने लायक है, काफी लोग जो उनके प्रशंसक हैं, उनके कविता के, उनके बोलने के स्टाइल के, उनके शायरी के। तो ऐसे में अगर कुमार विश्वास बीजेपी की तरफ से मैदान में उतरते हैं तो मुकाबला बहुत ही दिलचस्प होने वाला है, और ऐसी जो सुगबुगाहट है वो तेज हो गई है, शीर्ष नेताओं के बीच भी ये बात जो है चली गई है, बैठक का दौर अब शुरू हो जाएगा। हालांकि ऑफिशियल कोई बयान अभी बीजेपी की तरफ से नहीं निकाला गया है, ना ही कुमार विश्वास की तरफ से भी कोई ऐसा ऑफिशियल बयान आया, पर लगातार पिछले दिनों की बात करें लोकसभा चुनाव से लेकर अभी तक लगातार कुमार विश्वास जो है भाजपा के संपर्क में है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के संपर्क में है, मनोज तिवारी के एक अच्छे दोस्त हैं, दोनों फिल्मी जगत से भी जुड़े हुए हैं, कलाकार हैं। तो ऐसे में अब जो है बातचीत जो है शीर्ष नेताओं तक पहुंच गई है, फैसला बीजेपी के शीर्ष नेताओं को लेना है कि क्या कुमार विश्वास को बीजेपी में ज्वाइन कराने के बाद न्यू दिल्ली विधानसभा से चुनाव लड़ाया जाए या कहीं और से चुनाव लड़ाया जाए। अगर कुमार विश्वास बीजेपी में शामिल होते तो जाहिर सी बात है उनकी भी इच्छा ये होगी कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सामने वो चुनाव लड़े न्यू दिल्ली विधानसभा से, जहाँ से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल विधायक हैं। तो ऐसे में अब थोड़ा सा और इंतजार करना पड़ेगा और देखना होगा कि बीजेपी की जो शीर्ष नेतृत्व है वो कुमार विश्वास को लेकर क्या फैसला लेता है। हालांकि मनोज तिवारी की इच्छा पहले भी रही है कि कुमार विश्वास बीजेपी में शामिल हो जाए, बीजेपी की तरफ से उम्मीदवार भी बने, और लोकसभा चुनाव में भी ऐसी तैयारी लगातार चल रही थी और कई कवायद की जा रही थी। और तमाम अगर आम आदमी पार्टी के विधायकों को देखें, जो असंतुष्ट विधायक है आम आदमी पार्टी से, जिनकी नाराजगी है वो कहीं ना कहीं बीजेपी में ही शामिल होते रहे, लगातार कपिल मिश्रा को देख लीजिए, बहुत एक समय में मुखर हुए थे अरविंद केजरीवाल के खिलाफ में, लगातार उन्होंने बयानबाजी किया था आम आदमी पार्टी के खिलाफ में, लगातार बयानबाजी किया था। तो अब कहीं ना कहीं अगर आम आदमी पार्टी से अगर नाराज कोई विधायक है, आम आदमी पार्टी से नाराज कोई नेता है, तो उसे कहीं ना कहीं अगर कोई घर दिखता है तो दूसरा बीजेपी ही दिखता है। तो ऐसे में कुमार विश्वास उम्मीदवार हो सकते हैं नई दिल्ली विधानसभा से। मनीष, अगले ही महीने फरवरी में दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, आपको क्या लगता है अगर कुमार विश्वास बीजेपी में शामिल होते हैं तो कितनी बड़ी टक्कर दे सकते हैं, कितना बड़ा खतरा हो सकते हैं आपके लिए?
जी देखिए, बहुत बड़ा खतरा हो सकता है आम आदमी पार्टी के लिए, क्योंकि एक तो आम आदमी पार्टी के जब स्थापना हुई थी तब ये तमाम जो नेता थे उस वक्त शामिल थे और ये लोग कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के बहुत ही स्ट्रांग पिलर थे और इनको सब कुछ पता है आम आदमी पार्टी के बारे में। कार्यप्रणाली की बात करें, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बहुत नजदीकी रहे, पार्टी को खड़ा कैसे करना है, अन्ना आंदोलन को अगर याद करें तो उस समय ये लोग तमाम मिले थे, प्रशांत भूषण, योगेंद्र यादव। अभी बने रहिए, इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से, बड़ी खबर है जेएनयू हिंसा के विरोध में विरोध प्रदर्शन किया गया, छात्र